प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में हुई हिंसा से मन की बात की शुरुआत की। हरियाणा में हुई हिंसा पर चिंता जाहिर की। पीएम ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अनुयायियों द्वारा हरियाणा में की गई हिंसा पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम ने कहा कि हमारा देश अहिंसो परमो धर्मः का मानने वाला है। हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा। कानून जवाबदेही तय करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। पंचकुला में शुक्रवार को ही हिंसा का एक फुटेज सामने आया है। तस्वीरें शुक्रवार की हैं। तस्वीरों में डेरा समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं। पंचकुला से आई तस्वीरें गुंडागर्दी की हैं। डेरा समर्थक गेट तोड़कर एक घर में घुसे और पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। सिरसा में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी थी। इस दौरान डेरा समर्थकों ने एक निजी न्यूज चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन से मारपिटाई की और उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। 28 अगस्त को सीबीआई कोर्ट पंचकुला में नहीं बल्कि रोहतक के सुनारिया जेल में राम रहीम को सजा सुनाएगी। हेलीकॉप्टर से जज और वकीलों को रोहतक लाने की तैयारी है। हिंसा के दौरान हुई नुकसान की भरपाई को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त है। सरकार से डेरा की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि नुकसान की भरपाई हर कीमत पर डेरा की संपत्ति से होगी। पानीपत की सीआईए 1 ने 2 डेरा प्रेमी समर्थकों को आगजनी और लूटपाट की साजिश करते गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से मिर्ची स्प्रे, चाक और आग लगाने का सामान बरामद किया गया है। राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हिंसा पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिंसा को सरकार की नाकामी करार दिया। आनंद शर्मा ने खट्टर सरकार के इस्तीफे की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष के आरोप को खारिज कर दिया। सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि वहां लोग अधिक संख्या में जमा न हो। सरकार ने उन्हें नहीं रोका होता तो समर्थकों की संख्या बढ़ती चली जाती। भिवानी में खरक गांव के युवक की कालिंग गांव के रेलवे फाटक पर संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले बेटी विदा करने की जगह बेटे की शादी करवाने का दबाव डाल रहे थे। परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने रात को फोन कर घर बुलाया, जहां उसकी पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को रेलवे फाटक पर फेंक दिया। शादी के बाद से पत्नी अपने मायके में रह रही थी।